हर हर महादेव। शिखा से संबंधित प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति शिखा को कटवा देता है अज्ञान वशात, मोह वशात, भ्रम वशात, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है। दूसरा, जो खलवाट हो गए जिनके शिखा नहीं है या जिन्होंने शिखा कटवा दी, अब वो शिखा रख रहे हैं लेकिन अभी उसमें ग्रंथि बंधन नहीं होगा, तब तक भी क्या करें, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न यह है कि किस जाति वाले के लिए कितनी बड़ी शिखा रखनी चाहिए। इनका आप शास्त्र के अनुसार समाधान सुने। देखिए, आचार्य हरित जी का वचन है, शिखां छिंदन्ति ये मोहात् द्वेषात् अज्ञानतोऽपि वा तप्त कृच्छ्रेण शुद्ध्यन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः। त्रयो वर्णा द्विजातयः, तीन वर्ण वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विजाति हैं, वे यदि अज्ञानतः द्वेषात्, अज्ञान से, द्वेष से या मोह से शिखां छिंदन्ति, शिखा को कटवा देते हैं। तो क्या लिखा है आगे देखो, इसका भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं, कीति हारितेन शिखा नासे प्रायश्चित्ता विधानाच्च। हरित महर्षि ने शिखा का नाश करने पर, शिखा का नाश होने पर प्रायश्चित्त का विधान भी लिखा है। वे कहते हैं मोहा, मोह का मतलब है प्रमादा, प्रमाद से किसी ने शिखा छेदन करवा लिया। द्वेषात माने स्त्री, स्त्रियादि कलहे क्रोधादि आवेशात वा, द्वेषात माने स्त्रियों के कलह से, किसी की स्त्री कलह करती है, भाई तुम ये चोटी रखाए हो, ये है वो है, तो उसने इस वजह से कटवा ली। कई पंडितों लोग कटवा लेते, भाई हमारी जो है पत्नी मना करती है इसलिए हमने कटवा ली। अच्छा, तो क्या प्रायश्चित है, देखिए, क्रोधाद्यावेशात, क्रोध इत्यादि आवेश में आकर के शिखा छेदन हो गया, तो अज्ञानता शिखा, अज्ञानता और अज्ञान से यानी जानकारी नहीं थी इसलिए शिखा छेदन हो गया, तो वो प्रायश्चित है। उसके लिए क्या प्रायश्चित है कि तप्त कृच्छ्रेण शुद्ध्यन्ति, तप्त कृच्छ व्रत को करना चाहिए, तप्त कृच्छ प्रायश्चित। ये जो व्रत हैं, ये व्रत शास्त्रों में लिखे हैं कि वो व्रत कितने दिन में हो, उसके क्या क्या ढंग हैं, ये व्रतों के बारे में फिर कभी बतलाएंगे। चांद्रायण व्रत कैसे है, प्राजापत्य कैसे है, कृच्छ कैसे है, अतिकृच्छ कैसे है, तप्त कृच्छ कैसे है, अपाद कृच्छ कैसे है, अर्ध कृच्छ कैसे है, कृच्छों के कई भेद हैं। तो इस तरीके से तप्त कृच्छ की बात कर रहे हैं, तप्त कृच्छ शुद्ध्यति, तो तप्त कृच्छ से वो शुद्ध होता है। इस तरीके से ये प्रायश्चित बतलाया। कह रहे शिखा नाशे तत् प्रतिनिधि रुक्तः काठक गृह्य, काठक गृह सूत्र में शिखा का नाश होने पर या जो खलवाट हो गए जिनको शिखा के बाल झड़ गए हैं, तो उनके लिए प्रायश्चित बतलाते हैं। अथ चेत प्रमादाग्नि शिखम वपनम स्यात् तदा कौशीम शिखाम ब्रह्म ग्रंथ समन्विताम दक्षिण कर्णो परे शिखा वदनावतिष्ठे इति। तो वो शिखा इनका छेदन हो गया है, नहीं है शिखा, वे लोग कुशा में, तीन कुशाओं में, और ब्रह्म ग्रंथि लगा करके, जो कुशा में ग्रंथ, जो शिखा में ग्रंथि लगाई जाती है, वो ग्रंथि लगा करके दक्षिण कर्णों पर स्थापित, दाहिने कान पर रख ले वे। जब तक शिखा बड़ी नहीं हो जाती तब तक वे ऐसा प्रयोग किया करें, कर्म काल में अवश्य रखें, और नित्य प्रति गांठ लगा करके वहाँ रख लिया करें। जब शिखा बड़ी हो जाए तो फिर शिखा में ही ग्रंथि लगा करके उसको धारण करना चाहिए। ये जो है शिखा के बारे में है। आगे कह रहे हैं, बतलाया कि भाई शिखा किस जाति वाले के लिए कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो इसके बारे में है, चतुरंगुल विस्तारम शिखा मूलम द्विजन्मनः। ब्राह्मण के लिए चार अंगुल चौड़ी शिखा होनी चाहिए, चार अंगुल चौड़ी शिखा। राज्ञा पंचांगुलम न्यासम वैश्यानां वै तथैव च,
वैश्यों के लिए और क्षत्रियों के लिए पांच पांच अंगुल की कुशा होनी शिखा होनी चाहिए। राज्ञः पंचाशत अंगुलम न्यासम वैश्यानां वै तथैव च, ठीक है, स्थापयेयुः शिरो मध्य शिखां सर्वे द्विजातयः। शिरो मध्य, सिर के मध्य भाग में शिखा रखनी चाहिए। स्वर्षया स्वर्षयुक्त स्थले वापि खलवाटस्य च चोदितः। अब ये कहे यदि शिखा कहाँ रखनी चाहिए, वो शिरो मध्य भागे, शिर के मध्य भाग में। और यदि किसी के गृह सूत्र में कहीं कहीं जहाँ जहाँ जैसा जैसा विधान है वहाँ वहाँ रखना चाहिए, ठीक है। स्वर से युक्त स्थले वा, अपने अपने गृह सूत्र में कहे गए अपने अपने महर्षि के अनुसार, जैसे वामावर्त है, दक्षिणावर्त है, जो तो बांधने का प्रकल्प है, और भी कहीं जो है मुन्नन इत्यादि के भेद से ये बात कही गई है, कोई पंच सिख होते हैं, कोई ऐसे इसके अलग अलग विधान का है, जो चौल कर्म होता है वहाँ के। सामान्य रूप से मध्य में शिखा रखनी चाहिए, शिरो मध्य, और उसको बांधने का क्रम है कि कोई दाहिनी तरफ को, जैसे हमारी जो दक्षिणावर्त शिखा है, दक्षिण शिखा है, तो दाहिनी तरफ झुकी होनी चाहिए, और वामावर्त वालों के लिए बाई आवृत्ति लगा करके अथवा बाई ओर झुका करके शिखा बांधते हैं, मध्य शिखा, वाम शिखा, दक्षिण शिखा, जो भी है। और कह रहे हैं खलवाट से न चो देता है। ये नियम जो है खलवाट पर लागू नहीं होता है, जिनको बाल झड़ गए हैं वो कितनी बड़ी शिखा रखें, तो उनके लिए बतलाया गया है कि जहाँ खलवाट नहीं है और नीचे, तो वहाँ शिखा रख लेनी चाहिए, शिखा के स्थल से नीचे, वहाँ के बाल नहीं झड़ते हैं, वहाँ वे शिखा रख ले में, और उन्हें भी शिखा बांधनी चाहिए। इस तरीके से शिखा का स्थल और शिखा का माप तथा शिखा छेदन का प्रायश्चित, ये सब बतलाया गया है। हर हर महादेव।